नमस्कार। हमारे शरीर में रक्त अंगों और कोशिकाओं के बीच के संपर्क का सामान्य जरिया है। ये शरीर में संकेतों और संदेशों का माध्यम है। हमारी रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व, हार्मोन और अन्य जरूरी तत्व पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता है। वही दूसरी तरफ बदलती जीवन शैली की वजह से हमारा खून अशुद्ध होता जा रहा है, उसे अपने काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे कुछ कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारण है देर रात सोना, तनाव, अधूरी नींद, जंक फूड और खाना ही नहीं स्किप करना। आपके सिस्टम में ये टॉक्सिक ब्लड काफ़ी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है, जैसे कि त्वचा की एलर्जी, हृदय संबंधित समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर, बालों का झड़ना, सिर दर्द और भारीपन। तो आइए हम आपको आज ऐसे फूड, खाद्य पदार्थों के बारे में बता सकते हैं जो इन रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ हमारे खून को डिटॉक्सिफाई करते हैं, शुद्ध बना देते हैं और शरीर को सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं। चुकंदर हमारे लिवर को स्वस्थ बनाता है और ये लिवर ही है जो वो प्रमुख अंग है जो हमारे रक्त को शुद्ध करता है। चुकंदर सभी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। चुकंदर में मौजूद मैथियोनिन और ग्लाइसिन फैटी एसिड के संचय को रोकते हैं और लिवर की कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं। चुकंदर फाइटोन्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं जिन्हें बेटालिन कहा जाता है। बेटालिन एंटीऑक्सीडेंट और डीटॉक्सिफाइंग गुण वाले होते हैं। तो चुकंदर बहुत ही अच्छी चीज़ है। बीट रूट जिसे पकाकर और स्लाइस बनाकर या उसका जूस बनाकर लेना बहुत फ़ायदेमंद होगा। चुकंदर खाते वक्त नींबू का उपयोग ज़रूर करें। नींबू निचोकर और खाने से चुकंदर के सारे गुण शरीर एब्सॉर्ब कर सकता है। दूसरा, पत्ता गोभी। आयुर्वेद में पत्ता गोभी को रक्त शोधक माना गया है। पत्ता गोभी क्रूसीफेरस सब्जियों में आती है। क्रूसीफेरस सब्जियां सामान्य रूप से शोधक मानी जाती है और वो भी प्राकृतिक। इससे रक्त से भारी विषाक्त पदार्थों को निकाला जा सकता है। पत्ता गोभी विटामिन ए और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। पत्ता गोभी में ग्लूकोसाइनोलेट होता है जो रक्त से कार्सिनोजेन को बाहर निकालता है और इससे कैंसर से बचाव होता है। पत्ता गोभी में मौजूद रेशे, फाइबर लिवर को साफ करते हैं। पत्ता गोभी में उच्च सल्फर भी है और उससे शरीर के विष को हटाने में बहुत मदद मिलती है। तीसरा, हल्दी वाला दूध। हल्दी एक बेहतरीन औषधि है। किचन में, रसोई घर में काम आने वाला ये सामान्य मसाला हमारे शरीर को शुद्ध करता है, खून को साफ करता है और हमारे शरीर के हीलिंग प्रोसेस, रिपेयर वर्क को भी बढ़ाता है। हल्दी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में भी मदद करती है। इसमें कर्क्यूमिन होता है जो सूजन से लड़ने और रक्त संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए माना जाता है। खून को शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए रात को सोने के पहले एक गिलास गर्म दूध में हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्ची और शहद डालकर जरूर पिए। रक्त हमारे शरीर के अंदर संचार का मुख्य माध्यम है। अगर खून साफ ही नहीं होगा तो कोशिकाएं अपना कार्य कैसे कर पाएगी। तो आज हमने जो बात की है, ये सारे खाद्य पदार्थ को हमारे रोज़मर्रा के जीवन में अपनाएं, खून को हमेशा स्वच्छ रखें जिससे हमारे सारे अवयव सही ढंग से सुचारू रूप से काम कर सकें और हम एक अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठा सकें। तो बस ध्यान रखिए क्या खाना पीना है, वो ज़रूर याद रखकर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। नमस्कार।